अब हम बात करेंगे तीसरी लेग ऑफ एक्सपोजर जिसे बोलते हैं आईएसओ। अगर आप देखो आपके कैमरे में एक आईएसओ बटन होता है जिसमें आप आईएसओ अगर सेलेक्ट करोगे तो आईएसओ ये बोल रहा है 100, 200, 250, 320 एंड ऑल द वे अप टू से 3200। आप अपने कैमरे में चेंज करिए आईएसओ और देखिए लोएस्ट आईएसओ कितना जा रहा है और हाईएस्ट आईएसओ कितना जा रहा है। अब आईएसओ का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले जब डिजिटल कैमराज नहीं होते तो फिल्म कैमराज होते थे, तो फिल्म की एक स्पीड होती थी जिसे बोलते थे फिल्म स्पीड, वो होती थी आईएसओ में। अगर आपका डे टाइम इवेंट है, दिन में आप शूट कर रहे हो, तो आप 100 आईएसओ की फ़िल्म लेते थे। अगर आपका शाम को इवेंट है, आप 200 आईएसओ की लेते थे। अगर रात को है तो आप 400 आईएसओ की लेते थे या 800 आईएसओ की लेते थे। तो ये क्या होता था, जो लाइट के प्रति सेंसिटिविटी होती थी फिल्म की वो बढ़ जाती थी। अगर लाइट कम भी है तब भी फोटो आ जाती थी। अब सेम चीज़ आपकी सेंसर में मूव हो चुकी है। जब आप अब इन कैमराज में फिल्म तो है नहीं, इन कैमराज में आईएसओ का ये मतलब होता है कि ये सेंसर को बूस्ट कर देते हैं लाइट की तरफ, ज़्यादा सेंसिटिव कर देते हैं कि अगर कम लाइट भी है तब भी इमेज आपकी रिकॉर्ड होनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आईएसओ जितना कम रखोगे उतनी फ़ोटो अच्छी आएगी। मैं पर्सनली ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आईएसओ 100 में सारे शूट करूँ। आईएसओ 100 में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप शाम का शूट कर रहे हो जहाँ लाइट नहीं है, या आप रात का शूट कर रहे हो जहाँ पे लाइट कम है, वहाँ पे आप आईएसओ बढ़ा सकते हो। आप आईएसओ इतना डाल सकते हो जिसमें आपको एक्सपोजर ठीक मिले। मुझे याद है एक मैं कुछ टाइम पहले एक बर्थडे पार्टी शूट कर रहा था। मुझे पर्सनली बच्चों का जो फर्स्ट बर्थडे होता है वो बहुत अच्छा लगता है शूट करना। तो वो पार्टी बेसमेंट में थी। अब बेसमेंट में लाइट बहुत कम थी। अब मैं ज़्यादातर फ्लैश यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अवेलेबल लाइट फोटोग्राफर हूँ, जो लाइट है उसी में क्लिक करता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं आईएसओ 100 से क्लिक कर रहा था तो मेरी सारी फोटोग्राफ्स डार्क आ रही थी क्योंकि लाइट थी नहीं। उसके बाद मैंने आईएसओ बढ़ाना शुरू किया। आईएसओ 2000 पे मेरी फोटोग्राफ्स डिसेंट आ रही थी, सही आ रही थी। लेकिन जब मैंने वो पूरा शूट कर लिया, उसके बाद मैंने उसे कंप्यूटर पर डाला, तो मैंने देखा कि उसमें फ़ोटोग्राफ्स में जब मैं उन्हें बड़ा कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी उसमें डिजिटल नॉइज़ आ रही थी। वो फ़ोटोग्राफ्स अगर आप प्रिंट कराओगे तो पसंद नहीं आएंगे आपको। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए आईएसओ जितना कम से कम करना है आप उतना ही रखो, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसको कंप्यूटर में ठीक करने में। उसके बाद से मैंने रूल बनाया कि अपना आईएसओ 100 ही रखो, और अगर लाइट कम है तो आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर लो, बाउंस फ्लैश यूज़ करो, या आप स्टूडियो लाइट यूज़ करो, लेकिन आईएसओ कम से कम शूट करो। जैसे अभी हम ये वीडियो जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सनलाइट है। अब सनलाइट में आपको सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट 100 आईएसओ में शूट करना है, आपको ज़रूरत ही नहीं है हाई आईएसओ। हाई आईएसओ आपका यूज़ होता है जब आपकी लाइट कम होती है। कभी कभी आपने देखा होगा आप घर में जब अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो लेते हो तो वो डार्क आती है क्योंकि रूम लाइट सफिशेंट नहीं होती फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए। वहाँ पे अगर आप आईएसओ बूस्ट कर दो, बढ़ा दो, से फॉर एग्जांपल 100 से 1000 कर दो या 2000 कर दो, आपकी फ़ोटोग्राफ रूम लाइट में भी परफेक्ट आएगी। अब आईएसओ में आप अपने कैमराज में इसको चेंज करने का कोशिश करो। कैसे चेंज करते हैं, एक आईएसओ का बटन होता है, बस उसको घुमाइए और आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक इसमें एक और अच्छी फीचर होती है ऑटो आईएसओ। ऑटो आईएसओ का ये मतलब होता है कि जहाँ लाइट कम है कैमरा अपने आप आईएसओ को बढ़ा देगा ताकि आपको सही एक्सपोजर मिले, आपको बार बार मैनुअली उसे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक ऑटोमेटेड फीचर है कैमरा का, ऑटो आईएसओ, जिसको नाइकॉन में ऑटो आईएसओ सेंसिटिविटी सेटिंग्स बोलते हैं। आईएसओ सेंसिटिविटी सेटिंग्स को आप ऑटो पर डाल दो, वो हो जाएगा। और ये तीन चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करी, अपर्चर, शटर और आईएसओ, इन तीन चीज़ों पर आपका एक्सपोजर होता है। Thank you.